गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी एक्ने ट्रीटमेंट या चिकन पॉक्स स्कार या फेस के ऊपर कोई भी स्कार है उसके बारे में मेरे से कम्बिनेशन ट्रीटमेंट या सिंगल सिंगल ट्रीटमेंट के बारे में पूछते रहते हैं। आमतौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप कम्बिनेशन ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अगर हम कोई भी सिंगल ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बजाय अगर हम कम्बिनेशन में ट्रीटमेंट लें तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है और आपके जो है विजिट्स कम हो जाती हैं, सेशन कम लेने पड़ते हैं। यूजली अगर आप सिंगल सेशन में ट्रीटमेंट करवाएंगे, सिंगल ट्रीटमेंट, सिंगल मोडलिटी की ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो उसमें आपको 7-8 सेशन मामूली बात है कि आपके लग जाएं। और अगर आप कम्बिनेशन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये आधे रह जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट डबल हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सी तरह की मशीनें हैं, जैसे ये हाइफू मशीन है, ये ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए है, ये इंटेंस पल्स लाइट जिसको IPL लेज़र बोला जाता है, ये वो वाली मशीन है, ये वजाइनल टाइटनिंग की मशीन है, और ये हेयर रिमूवल की डायोड लेज़र है, ये रिंकल रिमूवल, क्रायोलिपोलाइसिस फैट रिमूवल, और जिन लेडीज के पेट प्रेगनेंसी के बाद बढ़ जाते हैं या पेट में चर्बी है उसको कम करने की मशीन है, ये फेस के ऊपर भी रिंकल को कम करती है, फेस की रिजुविनेशन करती है, स्कार को भी कम करती है, और जिनके हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी ठीक करती है। तो ये वो वाली मशीन है, क्रायोलिपोलाइसिस रेडियो फ्रिक्वेंसी रिंकल ट्रीटमेंट वाली मशीन ये है। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये मशीन है जो ये MNRF मशीन है, माइक्रो नीडल रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन। ये मल्टीपल नीडल की सहायता से स्किन के अंदर जाके वहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी देती है, जैसे कि स्ट्रेच मार्क हुए, एक्ने स्कार हुए, चिकन पॉक्स स्कार हुए, कोई बर्न का स्कार हुआ, या कोई चोट का निशान है, टांके का निशान है, तो उनमें ये हेल्प करती है। आगे हमारी आ गई ND YAG लेज़र। तो ये लेज़र हमारा काम करती है कि ये कहीं भी कोई पिगमेंटेशन है, स्किन रिजुविनेशन का काम है, अंडर आई डार्क सर्कल है, टैटू रिमूवल है, और कोई फ्रैकल है या आपके तिल हैं उनको कम करती है, या आपकी स्किन की रिजुविनेशन में हेल्प करती है। कोई स्कार है, उस स्कार के अंदर ब्लैकनिंग हुई हुई है, कोई एक्ने का स्कार है, या कोई चोट का निशान है जो काला हो चुका है, तो उसको ठीक करने में ये मदद करती है। ये सबसे बढ़िया लेज़र होती है, ये जैसे CO2 लेज़र है जिसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, ये CO2 लेज़र है, और ये काम आती है कि किसी भी टाइप का कोई भी अगर स्कार है आपकी बॉडी में तो उसको ठीक करती है, फेस को रिजुविनेशन करती है, रीसर्फेसिंग करती है। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, और इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, हमारे पास तकरीबन 25-30 तरह की केमिकल पील्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी मेडिडर्मा वगैरह की कंपनी की पील्स हैं, और इसमें कुछ सिप्ला की भी हैं, तो अच्छी अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की हम पील्स यूज़ करते हैं, तो वो अगमेंट करती हैं आपकी ट्रीटमेंट को। अब जब हम कम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट भी मैं करूँगा कैसे कैसे किया जाता है, तो उसमें आमतौर पे 4 से लेके 6 ट्रीटमेंट तक हम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन, आपकी स्किन को एनालाइज करके जो आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा वो हम करते हैं, ताकि आपका रिजल्ट डबल ट्रिपल आ जाए। और आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक बठिंडा रोड श्री मुक्तसर साहब पंजाब। तो आओ हम देखते हैं कि ये कम्बिनेशन ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, और आमतौर पर इसका खर्चा 10,000 रुपये यानी 10,000 पर सेशन होता है। धन्यवाद। सबसे पहले क्लीन अप किया जाता है स्किन को ऑयल एंड डर्ट से, ताकि इनका बिल्कुल चेहरा साफ हो जाए। उसके बाद माइक्रोडर्मा एब्रेजन से डेड स्किन उतारी जाती है, तो ये डायमंड कोटेड टिप्स होती हैं, इससे ये किया जाता है। इससे पे एक गल्वेनिक फेशियल है, इसमें पोर्स में से मिट्टी निकल जाती है, पोर्स में से कितनी गंदगी है वो निकल आती है, फेशियल रिजुविनेशन होती है। हाई फ्रिक्वेंसी से आपके ऑयल ग्लैंड्स स्टिमुलेट होते हैं, जितने भी पोर्स के अंदर बैक्टीरिया बैठे हुए हैं वो किल हो जाते हैं, ताकि आपको दोबारा पिम्पल वगैरह ना हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी इसमें काम आती है रिजुविनेशन में। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की जा रही है, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें से जब ऑक्सीजन ओजोन रिलीज होती है। तो
ये एंटी एग लेज़र है, इसमें डार्क ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन वगैरह है वो ठीक हो जाती है, स्किन रिजुविनेशन होती है इससे, अल्ट्रासोनिक से डीप हीटिंग होती है और फेशियल रिजुविनेशन होती है, कोलेजन फॉर्मेशन बढ़ जाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी ऐसे ही काम करता है, डीप हीटिंग करता है और कोलेजन फॉर्मेशन करता है, उसमें डार्क पिगमेंटेशन एक्ने स्कार वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये नंबिंग क्रीम लगाई जा रही है ताकि आपको MNRF करने से पहले दर्द वगैरह कम हो, ये सुन कर देती है चेहरे के स्किन को, उसमें दर्द फिर काफ़ी कम हो जाता है। तो ये नंबिंग क्रीम लगाई जा रही है, ये केमिकल पील की जा रही है, इसके बाद ये केमिकल पील चल रहा है तो इसमें ये दवाई आपके चेहरे के ऊपर लगाई जा रही है। ये MNRF ट्रीटमेंट है, इसमें नीडल्स आपके स्किन के अंदर जाके रेडियो फ्रिक्वेंसी देती हैं, तो MNRF ट्रीटमेंट। ये डर्मा रोलर है, गोल्ड प्लेटेड नीडल्स से आपका स्किन को छोटा सा स्क्रैप किया जाता है, उससे आपके चेहरे में चमक और ग्लो आती है। तो ये कम्बिनेशन ट्रीटमेंट थे।